हाय, दिस इज मनीष शर्मा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो स्टार्ट करते हैं निफ्टी एंड बैंक्स के एनालिसिस कल के सेशन के लिए, एंड विल डिस्कस द स्टॉक्स एज वेल। सो मैंने आपको लास्ट वीडियो में क्लियरली बताया था कि निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों का व्यू बुलिश है। 11,700 के ऊपर बुलिश व्यू रहेगा। 25,000 तक के टारगेट्स मैंने बैंक निफ्टी के दिए थे, अगर आपको याद है। दोनों ही टारगेट अचीव हुए और उसके बाद आज एक बड़ा फॉल हमें देखने को मिला। आज अगर आपने ये वाला स्ट्रैटेजी यूज किया हो तो आपको काफी अच्छा पैसा आया होगा, इंडेक्स में भी और स्टॉक्स में भी। 15 मिनट ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट मैंने स्ट्रैटेजी सिखाया था 2 दिन पहले। ये स्ट्रैटेजी आपने आज यूज किया होगा तो डेफिनेटली आपको निफ्टी में भी, बैंक निफ्टी में भी काफी अच्छा पैसा आया होगा सेल में। बाकी बहुत सारे स्टॉक्स में आपको काफी अच्छा पैसा आया होगा। अगर आप लोगों ने ये स्ट्रैटेजी यूज किया है तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना है कि आपको स्ट्रैटेजी कैसा लगा और आपको प्रॉफिट आया या नहीं आया। अब एनालिसिस करते हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी कल के सेशन में क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। अब अगर आप ये पैटर्न देखो तो ये बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न बनाए निफ्टी में। बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न जो है वो बेरिश पैटर्न होता है और ट्रेंड अभी भी ऊपर ही है, लेकिन मुझे लगता है अगर इसका लो टूटता है तो एक और शार्प फॉल हमें देखने को मिल सकता है। आज का जो लो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, अगर वो टूटता है तो एक फॉल हमें देखने को मिल सकता है। अदरवाइज मुझे लगता है एक दो दिन मार्केट थोड़ा सा रेंज बाउंड रह सकता है, क्योंकि फ्राइडे एंड मंडे हमें बहुत वोलेटिलिटी हमें देखने को मिली है। तो मुझे लगता है एक दो दिन मार्केट थोड़ा सा रेंज बाउंड रह सकता है, कंसोलिडेट कर सकता है, क्योंकि बहुत बड़ा फॉल हमें देखने को मिला है और फ्राइडे के सेशन में बहुत बड़ा रनअप भी हमें देखने को मिला था। मेरा व्यू थोड़ा सा साइडवेज है, रेंज बाउंड है, लेकिन अगर आज का लो टूटता है 23,370 तो एक और फॉल हमें देखने को मिल सकता है। निफ्टी में भी आप देखो ऑलमोस्ट सेम पैटर्न है और निफ्टी में भी आज का लो इम्पोर्टेंट होगा 11,350। अगर 11,350 टूटता है तो एक शार्प फॉल हमें देखने को मिल सकता है। निफ्टी में भी मेरा व्यू थोड़ा सा साइडवेज रहेगा, रेंज बाउंड रहेगा। आज इतना बड़ा मूव दिया है मार्केट ने तो हो सकता है एक दो दिन थोड़ा सा साइडवेज रहे, रेंज बाउंड रहे, या फिर एक दो इनसाइड कैंडल बने और उसके बाद हमें एक फॉल देखने को मिल सकता है। तो इंडेक्स में व्यू अभी थोड़ा सा साइडवेज रहेगा, रेंज बाउंड रहेगा। अब डिस्कस करते हैं स्टॉक्स। मैंने आपको लास्ट वीडियो में कॉनकोर बाय दिया था, इसमें आपको मॉर्निंग में ही प्रॉफिट आ गया था क्योंकि कई लोगों ने मुझे मैसेज किया था कॉनकोर में इंट्राडे में पैसा बन गया था। गॉडफ्रे फिलिप्स और पीएल, ये दोनों मैंने आपको सेल ट्रेड दिए थे और ये दोनों में आपको इंट्राडे में काफी अच्छा पैसा आया होगा। यानी मैंने जो तीन ट्रेड दिए तीनों में प्रॉफिट आया है। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना है कि आपने प्रॉफिट कमाया है। एंड अब डिस्कस करते हैं कल के सेशन में कौन से स्टॉक्स पे आपको ज्यादा ध्यान देना है। सो सबसे पहला स्टॉक होगा टीसीएस। टीसीएस मुझे काफी अच्छा स्ट्रक्चर लग रहा है बुलिश की तरफ, लेकिन अब ये ग्रीन कैंडल बना रहा है, ब्रेकआउट कैंडल बना रहा है और मुझे लगता है अगर ये हाई क्रॉस करता है तो एक अच्छा अपमूव हमें देखने को मिल सकता है। सो कौन से लेवल पे बाय करना है मैं आपको टेलीग्राम चैनल में बता दूंगा, लेकिन टीसीएस का स्ट्रक्चर काफी अच्छा लग रहा है बाइंग के लिए। नेक्स्ट स्टॉक होगा एचसीएल टेक्नोलॉजी। एचसीएल टेक्नोलॉजी का भी मुझे स्ट्रक्चर काफी अच्छा लग रहा है बाइंग के लिए। अगर ये 700 के ऊपर वापस सस्टेन करता है तो मुझे लगता है यहाँ से एक अपसाइड मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। एंड लास्ट स्टॉक होगा जुबिलेंट फूड। जुबिलेंट फूड मुझे स्ट्रक्चर सेलिंग की तरफ लग रहा है। अगर आप देखो ये इवनिंग स्टार पैटर्न है और अगर ये लो टूटता है तो एक फॉलो थ्रू सेलिंग हमें और देखने को मिल सकता है। तो जुबिलेंट फूड में शॉर्ट की तरफ आपको ज्यादा ध्यान देना है। अगर आपने मेरे वीडियोज ध्यान से देखे हैं तो 4-5 मिनट के शॉर्ट वीडियोज होते हैं, लेकिन मैं सिर्फ प्योरली ट्रेडिंग वाले वीडियो बनाता हूँ। मैं कोई आपको कहानी नहीं सुनाता, स्टोरी टेलिंग नहीं करता कि ये बड़ी खबर टाटा मोटर में है, बड़ी खबर रिलायंस में है। मैं आपको प्योरली ट्रेडिंग रिलेटेड वीडियो बना के दे रहा हूँ और जेन्युइनली ट्रेड देता हूँ और जेन्युइनली आप प्रॉफिट कमाते हो। मेरे चैनल पे आप देख सकते हो अभी सब्सक्राइबर, मेरा टारगेट है ये सब्सक्राइबर एटलीस्ट 10,000 तक पहुंच जाए जल्द से जल्द। इसमें मुझे आपके सपोर्ट की जरूरत है। अगर आपको जेन्युइनली प्रॉफिट आ रहा है और आपको जेन्युइनली वीडियो अच्छा लग रहा है, लर्निंग भी होता है, प्रॉफिट भी आता है, तो आप वीडियो को शेयर करो, लाइक करो और जिसके साथ भी आप शेयर कर रहे हो व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में, मेरे वीडियोज आप शेयर करो और उसके साथ आप फीडबैक भी लिखो अपना कि आप ये चैनल कितने दिन से फॉलो कर रहे हो, आपको एक्चुअल में ये चैनल फॉलो करके प्रॉफिट हुआ है या नहीं हुआ है। मेरा टारगेट यही है कि जल्द से जल्द 10,000 सब्सक्राइबर हो जाए और इसमें मुझे आपके सपोर्ट की जरूरत है। और मैं बहुत सारे लर्निंग वीडियोस प्लान कर रहा हूँ। अभी मैं टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर लर्निंग वीडियोस बना रहा हूँ, फिर मैं ऑप्शंस के ऊपर भी लर्निंग वीडियोस बनाने वाला हूँ। एवरी वीक आपको एक लर्निंग वीडियो मिलता रहेगा, प्लस आपको डेली ट्रेड रिलेटेड वीडियो आपको मिलते रहेंगे। अगर आपने ये स्ट्रैटेजी फॉलो किया है, अगर आपको ये स्ट्रैटेजी से पैसा आया है, अगर आपको ये स्ट्रैटेजी अच्छा लगा है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कमेंट करके कि आपने जनरली पैसा बनाया है और आपको सीखने को मिला है। और मैं आपको एकदम क्लियर बोलता हूँ कि मैं स्टोरी टेलर नहीं हूँ, मुझे स्टोरी टेलिंग करना नहीं आता। बाकी यूट्यूब चैनल पर आपने देखा होगा 20-20 मिनट के, 50-50 मिनट के वीडियो बनाते हैं, लेकिन एक भी वीडियो में वो आपको क्लीन एंड क्लियर व्यू के हिसाब से ट्रेड नहीं देते। बहुत सारे चैनल मैंने ऐसे देखे हैं जहां पर वो ट्रेड देंगे बाय और सेल दोनों का, ऊपर गया तो बाय करना है, नीचे गया तो सेल करना है।
अब स्टॉक कहीं ना कहीं तो जाता है, अगर स्टॉक नीचे गया तो वो बोलते हैं कि हमने सेल दिया था, अगर स्टॉक ऊपर गया तो वो बोलते हैं हमने बाय दिया था। मेरे चैनल पे आपको ऐसा व्यू नहीं मिलता है, मेरे चैनल पे आपको क्लीन एंड क्लियर व्यू मिलता है। अब फॉर एग्जांपल मैंने आपको जो पीएल सेल दिया था, आप मेरा लास्ट वीडियो देख सकते हो, मैंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोला कि ये ऊपर भी जा सकता है। मैंने आपको क्लियरली बोला ये लेवल टूटता है तो नीचे ही जाएगा। मैंने आपको गॉडफेयर फिलिप्स भी बताया था, ये लेवल टूटा तो नीचे ही जाएगा। सो आपको एक बात समझ में आ रही होगी मेरे चैनल फॉलो करके, मैं आपको क्लीन एंड क्लियर व्यू देता हूँ स्टॉप लॉस एंड टारगेट के साथ। और जो हम लोग ट्रेडिंग करते हैं वो लेवल बेस्ड ट्रेडिंग करते हैं। जितने नए लोग सब्सक्राइबर हैं उनके लिए मैं बता दूं, ये इक्विटी कैश मार्केट के लेवल्स है, सो आपको कैश मार्केट में ट्रेड करना है अपने रिस्क के हिसाब से, लेकिन लेवल के हिसाब से ही ट्रेड करना है। अगर आपको स्टॉक सिलेक्शन करना सीखना है इंट्राडे और पोजिशनल, अगर आपको लेवल्स फाइंड आउट करना सीखना है, अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस सीखना है इन डेप्थ में, तो 10th अक्टूबर से बैचेस चालू हो रहे हैं हिंदी बैच और 24th अक्टूबर से इंग्लिश बैच। अगर आपको सीखना है तो ये आप नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो, आपको डिटेल्स मिल जाएगा कोर्स का। और मैं आपको यही एडवाइस करूंगा कि लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स है, जल्द से जल्द आप सीट बुक कराओगे तभी आपको बेनिफिट है, वरना हो सकता है आपको 10th अक्टूबर का बैच ना मिले और फिर आपको नवंबर बैच के लिए वेट करना पड़े। आज के लिए वीडियो में इतना ही, अगर आपको वीडियो और एनालिसिस अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो, सी इन द नेक्स्ट वीडियो।